चलिए दोस्तों, बात करते हैं 5 बार की टाइटल विजेता मुंबई इंडियंस और एक बार भी चैंपियन नहीं बन पाई आरसीबी की, रोहित शर्मा। और दूसरी तरफ होंगे विराट कोहली। तो देखते हैं, रोहित शर्मा की टीम में जसप्रीत बुमराह अवेलेबल नहीं है, उनकी कमी खलेगी, लेकिन उनकी जगह एक एक्सप्रेस फास्ट जबरदस्त बॉलर है जोफ्रा आर्चर, जो कि पूरी फास्ट बॉलिंग को लीड करेंगे मुंबई इंडियंस की को। अब देख लेते हैं, हम बात करते हैं आरसीबी की टीम की। पहले तो सबसे पहले ओपनिंग में आ जाएंगे थापर डु प्लेसिस, उनके साथ विराट कोहली आ जाएंगे, फिर आगे बीच में ग्लेन मैक्सवेल, माइकल ब्रेसवेल, दिनेश कार्तिक, शहबाज अहमद, ये सभी आ जाएंगे। फिर उसके बाद में रिस टॉपली बॉलर, अर्शल पटेल, मोहम्मद सिराज, ये बॉलर हो जाएंगे। अब मुंबई इंडियन की 11 देखते हैं। रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन ओपनिंग में आ जाएंगे, उनके बाद आ जाएंगे सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी, फिर कैमरून ग्रीन मिडल ऑर्डर में, उनके बाद ट्रिम डेविड, फिर बॉलर जसप्रीत बुमराह तो है नहीं, उनकी जगह आ जाएंगे जो आर्चर, जेसन बेरंडो जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों से ये टीम भी सजी हुई है। देखते हैं अब कितने कहाँ तक, कौन सी टीम है कितने कहाँ तक पहुंच जाती है ये टीम। लग रहा है कि आरसीबी की टीम थोड़ा संघर्ष कर सकती है, क्योंकि उनके पास गेम टाइमिंग वाले खिलाड़ी कम है थोड़ी, लेकिन मुंबई इंडियंस के पास बॉलिंग की थोड़ी कमजोरी लग रही है जसप्रीत बुमराह के ना होने से, और कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर भी नहीं दिख रहा है। तो देखते हैं कौन सी टीम जीती है, मैच के बाद ही पता चलता है। ओके।